नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका देव कुमार स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर दोस्तों अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किए हैं तो दोस्तों नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, शुद्धतम सोने की शुद्धता कितनी होती है। शुद्धतम सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट, 24 कैरेट। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुद्धतम सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है 24 कैरेट। तो दोस्तों, हमारा जो है अगला है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो दोस्तों, वह क्या है? वह है दोस्तों पिटावा लोहा। वह है दोस्तों पिटावा लोहा, जो है लोहे का शुद्धतम रूप है पिटावा लोहा। तो दोस्तों, हमारा अगला है, सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों हीरा। सबसे कठोर पदार्थ वो है दोस्तों हीरा। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिक रबर बहुलक होता है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आइसोपिन का। दोस्तों, प्रकृतिक रबर बहुलक होता है। तो दोस्तों, वो है दोस्तों आइसोपिन का। तो दोस्तों, हमारा अगला है, मानव द्वारा सृष्ट पहला रिश्ता था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नायलॉन। तो दोस्तों, हमारा अगला है, सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? वह है दोस्तों लिथियम। तो दोस्तों, हमारा अगला है, कांसा मिश्र धातु है। तो दोस्तों, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं टिन का। जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमारा जो है दोस्तों एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। तो आपको दोस्तों राइट आंसर देना है, फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे को बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो दोस्तों, कौन सी चीज़ मिलाया जाता है? तो दोस्तों, वह है दोस्तों निकेल धातु। लोहे को बदलने के लिए दोस्तों निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, क्या हो जाता है? थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, वह है दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो दोस्तों पारा स्रोतरंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। तो दोस्तों, कितना होता है? वह है दोस्तों दो से चार दिन। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों,
आपको राइट आंसर देना है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन 78% है। और दोस्तों 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। तो दोस्तों अगला है हमारा स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट से स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है, वह दोस्तों सोडियम कार्बोनेट से। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जल को स्थायी कठोरता का कारण है, जल को स्थायी कठोरता का कारण है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। और दोस्तों जल का स्थायी कठोरता का कारण है वह दोस्तों राइट आंसर हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। तो दोस्तों हमारा अगला है, विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा अमीटर से। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अदिश राशियां हैं, दोस्तों अदिश राशियां हैं तो दोस्तों कौन सी हैं। तो दोस्तों है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। दोस्तों आपसे कोई पूछे अदिश राशियां हैं तो दोस्तों आपको बताना है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये तीनों चीज़ें पांचों चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला है सदिश राशियां हैं, दोस्तों बताना सदिश राशियां हैं तो दोस्तों कौन कौन सी हैं। दोस्तों है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, चार चीज़ें हैं। सदिश राशियां हैं तो दोस्तों कौन सी हैं, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो दोस्तों क्या आंसर होता है, क्रमशः दोस्तों लाल तथा बैंगनी रंग का, दोस्तों क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का होता है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप सब हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो दोस्तों नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।